আমি এখন গাল তাহলে চিন্তা করছেন Thank you.
क्यों पढ़ रहे? तुझसे मिलने थोड़ी ना है, अमर सिंह का बर्थडे है। आज அரே பாய், இவன் பெரிய லார்டு மாதிரி கமிஷனருக்கு சவால் விட்டு இங்க வந்திருக்கான். அந்த கமிஷனர் இன்னைக்கு மட்டும் 9 பேர் கொலை பண்ணிருக்கான். இவனை தேடி அவங்க வருவான், நம்மளையும் சாகரிக்க போறான். பாய், உயிருக்கு பயந்து பார்த்து பாத்துக்கிட்டான் போறேன். ஆனா அமர் சிங் இருக்கிற தைரியத்துல தான் சவால் விட்டேன். நீங்க என்ன திருப்பி அனுப்பி அவன் என்ன கொண்டுட்டா? ஆயோட மான மரியாதை. சோ சோ ஓய் நில்ரா, பாய் பாய், அவன் போட்டோ. அவரை தேடி அந்த கமிஷனர் கண்டிப்பா இங்க வந்துருவான். பாய், அவன் போட்டோ கேட்ட முடுறா. तो आप समझ
मतलब है ये एनकाउंटर्स सेल्फ डिफेंस में हुए हैं. दैट इज व्हाट यू गोइंग टू से टू मी. आप सबका हुलिया देखकर तो लग रहा है शायद मेडिकल सर्टिफिकेट भी रेडी है ना? ये क्या है? इस एनकाउंटर पर मुझे शक है. सीबीआई से जांच के लिए लिखा है. मैडम, अगर आप लोगों को सही सलामत इस रूम से बाहर जाना है तो जो मैं कहूं वही रिपोर्ट में लिखो. हाउ डेयर यू, जानते हो तो नहीं है मेरे यहां से मैं लेकर जाऊंगा. अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ. मिस्टर आदित्य, ये गलत है. थप्पड़ मारना गलत है. हमने लोगों को उड़ा दिया, थप्पड़ मारना गलत है. ऑफिसर्स, ऑन योर मार्क. मारो तो ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं, उनको ही मार दिया तो कौन आएगा पता नहीं. साइन कीजिए इसमें. और दो ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवा लो. मैडम को बार बार आना पड़ेगा. तो छोड़ेंगे नहीं मैम. तो दिखाना पड़ेगा कि हम लोग भी कौन हैं. किससे कॉल कर रहे हैं आप? एक्शन तो लेना ही पड़ेगा. वेट, इनको मैं आईपीएस के ट्रेनिंग डेज से जानती हूं. इन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं. ही इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ. सुना ही इज मेंटली डिस्टर्ब्ड. पिछले नवंबर दिल्ली से मुंबई उनके सेंड ऑफ के फंक्शन में मैं भी थी. ही वॉज विद हिज डॉटर. मेरा है ये दरबार जो कहती थी.
का जो कहला है मर्दों में जो पहला है Aditya, thank you so much for coming. My pleasure, sir. I know you were enjoying the party, but what I have to show you is very important. Listen to me. 27 साल पहले ये मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड हुआ करता था. तब उसने 13 पुलिस वालों को जलाकर राख कर दिया. वो फिर मुंबई से फरार हो गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई. उस हादसे के बाद लोगों में मुंबई पुलिस के लिए जो इज्जत थी वो खत्म हो गई. लोग पुलिस के सामने उनका मजाक उड़ाते और हंसते थे. पुलिस की वर्दी पहनना शान नहीं अपमान मान रहे थे और इस वजह से पुलिस फोर्स में वैकेंसीज होने लगी और हमें मजबूरन अनफिट लोगों को पुलिस फोर्स में रिक्रूट करना पड़ा. इससे हमारी पुलिस फोर्स भी वीक हो गई और ड्रग्स और विमेन ट्रैफिकिंग बढ़ता गया. टू बी प्रिसाइज, 10 बच्चों में से 2 आज ड्रग्स लेते हैं और कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स काफी नहीं है. We will detox. Aditya, तुमने जो पंजाब में काम किया था दैट इज वेरी गुड. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. अब हमें यूथ को वापस पुलिस फोर्स में भर्ती करना है और ड्रग्स को बिल्कुल मिटा देना. यस, एंड यू आर द राइट मैन फॉर दिस जॉब. आई एम ऑनर्ड सर. आप मुंबई जाइए और वहां के नए कमिश्नर की जिम्मेदारी लीजिए. आई विल डू इट सर. सर, आपको तो पता है ऑन 3 कंडीशंस. एक बार मैं गया बीच में नहीं आऊंगा. किसी को छोड़ने बोलोगे नहीं छोड़ूंगा और काम हो जाने तक दाढ़ी नहीं बनाऊंगा. आई नो बट प्लीज बी केयरफुल. यस सर. उस दिन के बाद आज ही मुलाकात हुई है. लगता है उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं. हाल ही में उनकी बेटी को जख्मी मारा. व्हाट? उनकी बेटी? सर, हम दोनों भी कभी लाख से सर. ओ, मैं कलकुची डिस्ट्रिक्ट. अच्छा अच्छा. आई एम प्रसाद फ्रॉम चेन्नई सर. ओके ओके. अलावा कुपा कृष्णा गिरी डिस्ट्रिक्ट. कितने साल से आप सर के साथ काम कर रहे हैं? अरे साल नहीं, सिर्फ 6 महीने ही हुए, लेकिन उनसे 1 लाख ज्यादा सैलरी लेता हूँ. तब तो बढ़िया है, उनसे 1 लाख ज्यादा. एग्रीमेंट में तो ऐसा ही है, पर हाथ में कुछ नहीं आता. वो जो खड़ी है ना, वो लड़की सर की बेटी है, उसी ने मुझे काम पे रखा है. सर की वॉच देख रही है? हाँ. सर की हार्ट बीट कभी भी बढ़े नहीं, ये देखना मेरा काम. अगर कभी बढ़ गई तो उसके पॉकेट में मोबाइल है, उसमें मैं से चला जाता है. Why? वो क्या है ना, मेरा अकाउंट डिटेल पासवर्ड उनके पास है. सर जब भी उससे में होते हैं तब मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए उनके पास चले जाते हैं और जब खुश होते हैं तो उनके अकाउंट से 10,000 रुपए मुझे मिलते हैं. क्या सुपर, जब भी देखो ये आदमी गुस्से में ही रहता है. अब तक मेरे अकाउंट से उस लड़की के पास 7,000 जा चुके हैं. बाप और बेटी दोनों मिलकर ऑनलाइन गैम्बलिंग खेल रहे हैं. चेन्नई में मैंने बड़ा घर खरीदा है. सर भी आ रहे हैं फिर प्रवेश में. अगर आप भी वहाँ आ जाती हैं तो हम साथ साथ प्रवेश. सुनिए सुनिए सर, माय सेल्फ रोहित कुमार, दे आर माय कलीग्स. हाय.
Is everything all right in the city? जब से आया हूँ देख रहा हूँ सबके चेहरे पर टेंशन है, कोई कुछ पता नहीं है, क्या बात है? You are right. सर आप अभी तो यहाँ पहुंचे हैं, बात कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आया। इनफैक्ट आज शाम को तो आप चार्ज लेने वाले हैं। कोई नहीं बताइए सर, अभी एक घंटे पहले सिटी में कॉलेज की तीन लड़कियां किडनैप हो गई, जिसमें डिप्टी सीएम की भी बेटी है। पार्टी से कहीं आ रहे थे, वो डिप्टी सीएम की बेटी है, ये जाने बिना रैंडमली किडनैप हुआ है। ओके चलिए डीसी रेसिडेंस सर, टेक द चार्ज सर। आई एम ऑलरेडी इन चार्ज। देसाई आपकी बेटी है, पूजा गुप्ता, नेहा चोपड़ा, ये दोनों बचपन से ही उसके दोस्त थी या स्कूल कॉलेज में उसके साथ थी? ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्रेंड्स कैसे बने ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई, घर भी आते रहते थे। उन लड़कियों के घर पे बात की? मेरी बेटी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बेटी के फ्रेंड कैसे बनी बनाने, वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मेरी बच्ची तो टेंथ में स्कूल टॉपर थी। यूएस में स्टडी, बीच में थोड़े दिन के लिए ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर में थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले तीन महीनों से फिर से ड्रग्स लेने लगी थी। जैसा आपने कहा उसके बैग में पर पाउडर जैसा कुछ दिखा था। ओके मेरी बेटी को ड्रिंक से नफरत है, वो अपने पापा को भी मना करती है, उसका ये हाल ड्रग एडिक्ट के लिए मैंने तो कभी नहीं देखा। मैम ड्रग्स कई तरह के होते हैं, कुछ ड्रग्स बहुत शांत कर देते हैं और कुछ ड्रग्स बहुत हाइपर और एनर्जेटिक कर देते हैं। अंकल कभी कभी सुबह सुबह उसके नाक में कुछ सफेद रंग के पाउडर जैसा देखा है। ओके स्किल में सर, नए शो का फिल्म मिला है सर, कल सुबह का है, एडिडास शो, उस शोरूम को कॉल करो। यस सर, कल 11 o'clock। लड़कों का शूज या लड़कियों का शूज? यूनिसेक्स है सर, कोई भी पहन सकता है। शूज का साइज क्या था? 11 inch शूज। मैडम आपकी बेटी का शूज साइज क्या है? 7। ऐसे ही लेकर गए थे या गिफ्ट रैप करवाया था? उस पे क्या लिखवाया था? सिर्फ अपना नाम लिखवाया था। उस गिफ्ट रैपिंग पेपर का फोटो लेकर भेजो। ओके सर। कुकिंग के लिए सिटी में 4 डीलर हैं, 800 डीलर, उनमें से किसी एक ने कल बर्थडे मनाया है, उसको ढूंढो। यस सर, योर फ्रेंड माटुमा कैलाश, कोकिंग डीलर, बर्थडे मना रहा हूँ। लेकिन वो रहता कहाँ है ये किसी को नहीं पता। माटुंगा के सारे वाइन शॉप्स में पता लगा, उस एरिया की सारी बेकरीज को कॉन्टैक्ट करो, उसके नाम से कोई बर्थडे केक खरीदा गया है क्या पता लगाओ। सर इतने बड़े माटुंगा में हम उसे कैसे ढूंढेंगे? टोटल 650 सर। चेंज रख लो विकी। सर मेरा नाम कैसे पता सर आपको? मैंने आपसे फोन पे बात की थी। यस सर, यस सर। कल जहाँ बर्थडे केक डिलीवर किया था वो घर, वो देखा। बैक टू बैक। तुम लोग यही 10 मिनट में मैं उस खिड़की पे दिखा तभी ऊपर आना। Okay.
खिड़की पे तो सर आने वाले थे, यहां तो कोई और है। आ गए सर, देखा, अब अपने शुभचरणों को बाहर निकालो, उतरो। क्या हुआ मेरी, क्या? सॉरी, आपकी बेटी यहाँ नहीं, कोई दूसरी फैमिली है। अरे तुम तो बड़ा बर्थडे सुसाइड सुसाइड बार बार फोन कर रहे थे। मुझे भी वही लगा था, बहुत सारे ग्रुप इंडिया में लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं, उनमें से एक होगा। पकड़ लेंगे सर। अभी 36 एमएलए है मेरे पास, सरकार हमारे सपोर्ट में चल रही है, स्टेट में जो कुछ करना चाहो कर लो, जो परमिशन चाहिए ले लो, मार डालो किसी को, खत्म कर दो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। यस सर, इतना काफी है सर। मेरे ऑर्डर्स मिलने तक इनको हमारी जगह पर सीट लेने को, और तब तक थोड़ी क्लीनिंग की जाए। गेट रेडी फॉर अ मेजर ऑपरेशन। पुलिस इज नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस। वी लिव टू प्रोटेक्ट, वी डाई टू सर्व। आपकी बेटी मुंबई में तो नहीं मिली, नासिक पुणे साइड पे ही ले गए होंगे शायद। वैसे मुझे गोवा का भी डाउट है। अरे वहां के सीएम से मैं बात कर लूंगा, किसी के भी फॉर्म पढ़ लूंगा। हाँ थैंक यू सर। फोन बाद में ही रखिएगा, सुनिएगा मत। सर, एक पुलिस टीम स्काई पैलेस होटल में जब रेड करने गई तो वहां 6 लड़कियां ड्रग्स लेकर अनकॉन्शियस पड़ी हुई हैं, सिर्फ 13 साल की बच्ची हैं। उस होटल के ओनर विनोद मल्होत्रा का बेटा अजय मल्होत्रा, उसने हमें रेस्क्यू करने नहीं दिया। हमने कोशिश की तो उसने अटैक करना शुरू कर दिया। 3 पुलिस वालों को हेड इंजरीज हुई है सर, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। सर, ये विनोद मल्होत्रा की जगह थोड़ा मीटिंग करना पड़ेगा। बच्चों, ना ये खिलौना है और ना ही मैं शरीफ पुलिस वाला। अगर कोई 1 इंच भी हिला तो हवा में गोली चलाना, पैर पे गोली मारना, ये सब नहीं होगा। कंधा घुटना ये सब मैं नहीं जानता, स्ट्रेट हार्ट पे आउट। देकर बर्बाद कर दिया सर, छोटी बच्चियां हैं। सर, ये विनोद मल्होत्रा का बेटा अजय मल्होत्रा है। सुनो कमिश्नर, मुझे अगर हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, हाथ भी लगाऊंगा।
बेटा अपने चप्पल निकाल के इसके मुंह पे अगले पिटाई से तो बात की होगी फिर अजय मल्होत्रा ने जो मछलियां सप्लाई की हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पुलिस के हवाले कर दो द्वारा किए गए बहुत ही अहम ऑपरेशन में मुंबई पुणे नासिक जैसे महाराष्ट्र के बड़े शहरों में जिन लड़कियों को किडनैप करके जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला गया था उन्हें रेस्क्यू करके फिर से अपने परिवार वालों के साथ मिलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में जाने माने बिजनेसमैन विनोद मल्होत्रा के बेटे अजय मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने सनसनी फैला दी है। मुंबई सिटी कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम के इस अभियान की पूरे देश के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। झुंड के झुंड में लड़कियां देखता मेरी बेटी आप ही की बेटी को ढूंढ रहे हैं सर ढूंढ लेंगे हर बात पूरे महाराष्ट्र से एक ही रात में 2,586 लड़कियों को बचाया गया जिसमें 7 साल की बच्ची से लेकर 38 साल की महिलाएं हैं। माँ बाप से दूर हुए उन लोगों को उनके परिवार को सौंपा जा रहा है। डेप्यूटी सीएम डॉटर इन मिसिंग वन मिनट गेट द गर्ल्स इनफैक्ट अपहरण के 2 घंटे के अंदर ही सबको बचा लिया गया और इस सिचुएशन का फायदा उठाकर वी वर एबल टू रेस्क्यू नियरली 2,600 गर्ल्स इन दिस ऑपरेशन 3 men are in casualty और 2 पुलिस वाले अभी भी ICU में हैं। We thank everyone who were involved in this operation. इतनी पिटाई करके भी अब्बा आराम से घूम रहे हैं तुम्हें कैसे चोट लग गई? अरे क्या बोल रही हो इतनी बड़ी गन है पता नहीं कितने लोगों को शूट किया होगा सभी यह हाल है। रहने दीजिए सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था जीप का दरवाजा बंद करते हुए हाथ फंस गया। पुलिस का मिशन तो ऐसा ही होता है लड़ाई करोगे तो शर्ट तो फटेगी ना सर। लड़ाई आपने की शर्ट मेरी भी फटे ये तो गलत है। ओके आगे क्या? इसके हाथ में तो पट्टी लग गई अब तेरे हाथ में मेहंदी लगेगी। मेहंदी यू मीन शादी? यस। अब्बा मैं आपको बोल चुकी हूँ आपको इस तरह अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी आप भी शादी कर लीजिए अब्बा ये मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ। बेटा पहले तुम शादी कर लो फिर मैं भी कर लूंगा मेरा क्या है मैं तो जब चाहूँ यू 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 करके किसी को भी पटा लूंगा। कौन आप? या ड्यूटी के अलावा किसी लड़की से टाइम भी पूछना पड़ जाए ना तो कांपने लगते हैं। मेरी स्कूल टीचर से बात करने में ही पसीना आ जाता था तो खुद ही सोच लो। हेलो डर मुझे वो पुरानी बात हो गई अब तो मैं सख्त लौंडा हो गया हूँ वरना। ऐसा क्या सुनिए ऑक्सीजन को चाहिएगा वरना बाढ़ आ जाएगी लड़की। उस लड़की के पास जाकर आप बहुत सुंदर हैं ये बोलकर दिखा। बोल दिया तो लड़का देखना शुरू कर दे। प्रॉमिस प्रॉमिस वाह अब देख ली जाओ। अच्छा अभी तक शुरू भी नहीं किया था सर। तुम्हारे पापा के पैर देखो वाइब्रेशन मोड पे
और टेबल पे देखो हाथ पे मैसेज टाइप कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे उर्दू नहीं आता। नर्स प्लीज कम हियर। आई थिंक वी शुड टेक हिम टू ईएनटी, सो प्रॉब्लम है वो देख लेंगे। छोट इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर सुनीता से मिलिए, वार्ड नंबर 4। आई एम ऑल राइट। यू आर नॉट ऑल राइट, यू आर पेशेंट। टेक दिस टोकन नंबर 24। तुम्हारे अप्पा को टोकन दे दिया एडमिट होने के लिए, इससे पहले कि उनके थ्रोट का ऑपरेशन करते उनको बचा लेते हैं। ये करने पानी खा के गए थे जाना। हैपेंस, समटाइम हैपेंस। बेटा वो लड़की बहुत सुंदर थी, ऊपर से तुम लोग देख रहे थे, मैं नर्वस हो गया, पर तुम देखना अगली बार मैं उस लड़की को कैसे बढ़ाता हूँ। देख लिया, बात करने भेजा था, पेशेंट की तरह टोकन लेके आ गए। तेरे को तो मैं देख लूंगा। इनके भरोसे मत रहो, खुद ही कोई अच्छा लड़का देख के उसके साथ भाग जा। देखिए सर, उसे किस चीज की कमी है? ये सब जरूरी है क्या? न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह उसकी फोटो दिखा रहे हैं, रिश्तेदारों के फोन आने बंद नहीं हो रहे हैं। देखिए, इसे छोड़ दीजिए, केस मत कीजिए, बस अपनी फीस बताइए आप। सुनो, अभी आ गए हैं, जाओ मेरे बच्चे को ले आओ। देखिए मैडम, आपके बेटे ने गलत किया है, कोर्ट जो कहेगा हम करेंगे। कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है। बेल, बेल, यस। लिफ्ट से लेके आने वाले आपके दो कॉन्स्टेबल्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि रूम के अंदर से नहीं बल्कि रूम के बाहर से उन्हें अरेस्ट किया गया है। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा है कि लड़कियां दूसरे रूम में थी। बेल सर, अरे ये गलत है, थर्ड पेज पे राइट में जो स्टैंप होना चाहिए वो लेफ्ट में है। सर, सेम पीपल सेम पेज, राइट में स्टैंप हुआ लेफ्ट में क्या फर्क पड़ता है? नो, राइट वाला स्टैंप राइट पे नहीं चाहिए, चेंज करवा के लाइए, तब तक आपका लड़का यहाँ सेम रहेगा। चलते हैं, बहुत आसानी से अपने बेटे को यहाँ से लेके जाऊंगा। नहीं सर, चार कॉन्स्टेबल्स हमारा है, दो लोग आईसीयू में, छह लड़कियों का किडनैपिंग केस है, मेडिकल रिपोर्ट सब नहीं है, मे बी रेप केस बन जाए। लड़कियां अंडर 17 है, ड्रग्स भी दिया है, कम से कम 16 साल की जेल होगी। कॉन्फिडेंस, गुड। प्रार्थना करो कि मेरे बेटे को कुछ होना, वरना कमिश्नर ऑफिस से कोई ना कोई गायब हो जाएगा। दो पुलिस वाले आईसीयू में हैं, तुम प्रार्थना करो कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। इनकी यूनिफॉर्म उतार कर इन्हें घर भिजवा दो। सॉरी सर, मैं जैसा कहूं वैसे ही नई रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करो। इसको अर्जेंट केस बना के वो दो तीन दिन तक बाहर ना आ सके ये देखो। ओके, बात देखेंगे लेकर। मुझे तीन सेकंड पर खड़ा कर दिया। अब क्या करने वाले हो बताओ तो सही। क्या कर लेंगे, धूप में खड़ा रखेंगे और क्या। मेरे पास आइडिया है ना। आइडिया? अरे नहीं, टेंशन हो रहा है, टेंशन कुछ कुछ हो रहा है। ओके, या राइट, हाँ यस, ये है वो लड़की इधर, और ये है वो लड़का यानी मैं। कौन है? तेरे को तो मैं देख लूंगा, देख लूंगा मैं। और ये है गोल चक्कर। अब वो लड़की चिक्के 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 करके जॉगिंग करके आ रही है, और वो लड़का डगे 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 करके जॉगिंग करते हुए जा रहा है। ये आ रही है, वो जा रहा है, ये आ रही है, वो जा रहा है, एकदम से रुक जाते हैं।
लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, वो भी देख रही है, ये भी देख रहा है, वो पास आई, ये भी पास गया, फिर आप गन निकाले करें फटाक से गोली मार दे। सही कहा। एक लड़की से बात करने के लिए एनकाउंटर जैसा प्लान बनाया, बहुत ज्यादा हो गया। आपके दिल से जो निकले वही बात जाके कीजिए। एक सेकेंड रुकिए, मुझे लगा ही था अपने आप को डीडीएसए का राज समझे, गुलाब का फूल लिए घूम रहे। बकवास बंद करो, ये सब छोड़ो, आप जाओ। यस, मैं जाओ। आई एम गोइंग नाउ। अब जाओ। मैं ये क्या कर रहा हूँ, वो लड़के क्या सोचेंगे। अच्छा बेटा, उससे बात करते हैं, तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर। दूल्हा चाहिए, पेपर में ऐड डलवा दूंगा, और ये शादी.com, marriage.com ये सब में भी डलवा दूंगा। ओके बाप, ओके, डन। ये कार लेके जाऊं, चाहिए तो शेयर ऑटो लेके जाइए। ये लीजिए, इसे काम में लगा लीजिए। ये किस लिए? आप जो भी बातें करेंगे हमें सुनाई देगा। अब जाइए। सर्वेलेंस? अरे इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, आप जाइए ना। तेरे को तो मैं देख लूंगा तेरे को। मैं जाता हूँ। यस यस, थैंक यू। सर पहले गाना बदलिए, गणेश जी का भजन है। ऐसे भजन सुनोगे ना तो प्यार नहीं पंचामृत मिलेगा। पहले ये भजन बदलिए। यू मीन लव सॉन्ग? सिर्फ कार चलाते समय ही हॉर्न नहीं बजाते, कोई पलट के देखे इसलिए भी बजा सकते हैं, वाइपर चला सकते हैं, लाइट मार सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल की क्लास ले रहे हैं। क्या हुआ, ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? जॉगिंग कर रहे हैं। और आप? मैं भी जॉगिंग करने जा रही हूँ। तो आइए, मैं उनसे पहले आपको पहुँचा देता हूँ। जॉगिंग कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आइए। कम ऑन बेबे। नहीं मिलने के कारण वो चिल्लाने लगी तो घर वालों ने कमरे में लॉक कर दिया। शी कुडंट कंट्रोल हरसेल्फ। ड्रग्स के बगैर जीना बहुत मुश्किल है सर। जिनको आपने सेव किया उनमें से बहुत लोग हॉस्पिटल में वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं सर, और सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। अजय मल्होत्रा ही पूरे शहर में ड्रग्स सप्लाई कर रहा है सर। जब से आपने उसको अरेस्ट किया है शहर में ड्रग्स की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई।
यंगस्टर्स ड्रग्स न मिलने के कारण पागलों की तरफ वॉलेंटरी बिलीव कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी डी रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, मैंने आप लोगों को अर्जेंटली क्यों बुलाया है ये तो आपको पता ही होगा। ड्रग्स में फंसे लोगों को अर्जेंटली आप लोगों की जरूरत है। यस सर, बहुत सारे कैंप्स लगाए हैं, विद गुड ट्रीटमेंट धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। गुड, आप लोग उन्हें ड्रग्स से दूर रखिए। यस सर, ड्रग्स को उनसे दूर मैं रखूंगा। राइट, ओके सर। टुडे 90% ऑफ ड्रग्स हैव बीन स्टॉप्ड। यू नो व्हाई? द ओनली रीजन इज अजय मल्होत्रा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुर्म में 2 दिन पहले इसे अरेस्ट किया है। यही है सिटी का टॉप ड्रग डीलर। इसके अंदर होने की वजह से ही ड्रग्स बाहर नहीं मिल रहा। फोक्स, अगर इसे बाहर छोड़ा तो अगले 10-15 सालों में ये बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। सो सारे ड्रग्स केसेस इसी के नाम पे फाइल करो। केसेस स्ट्रांग होने चाहिए। अगले 30 सालों में ये बाहर नहीं आना चाहिए। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। नाबालिग लड़कियों के ट्रैफिकिंग के जुर्म में अजय मल्होत्रा को मुंबई हाईकोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई है और उन्हें नासिक जेल में रखा गया है। अजय मल्होत्रा का ड्रग्स ट्रैफिकिंग में भी हाथ है। ये खुलासा होने के बाद मुंबई कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम ने उनसे पूछताछ करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। इस महीने तो अकाउंट में अमाउंट आ ही जाएगा। कांग्रेचुलेशन सर। ऑल आर रेडी? क्या हुआ सर? कौन है? कौन सर? पसीना क्यों आ रहा है? पहने एसी रूम सर। वो छोड़ो, सुनो, वो थर्ड चेयर पे जो लड़की बैठी है ना, उसे क्या चाहिए पूछ कर आओ। हाँ ओके सर। ये क्या सर, आपने बुलाया क्या? नहीं तो मुझे यहाँ क्यों आया? होगी मुझे क्या पता सर, अकाउंट में पैसे आएंगे या जाएंगे मालूम नहीं। सर कंप्लेन लिखवाने आए हैं। कैसी कंप्लेन, किस लिए? उन्हें लगता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है और उनकी गाड़ी भी गायब है, तो उन्हें इसलिए कंप्लेन करने आई है। तुम उन्हें लेकर सर आने दो ना, उन्हें संभाल लेंगे। और उससे पहले आप ये जरा अपने स्टाइल में चश्मा वश्मा पहनकर तैयार हो जाएंगे, पहन लीजिए। आपने कहा कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, वो दिखने में कैसा था? देखने में तो स्टाइलिश लग रहा है, ना जवान कह सकते हैं ना बहुत बूढ़ा कह सकते हैं, ना बहुत गोरा कह सकते हैं ना बहुत काला कह सकते हैं। एक्चुअली चोर जैसा नहीं था, देखने में तो स्मार्ट ही था। ज्यादातर चोर स्मार्ट ही दिखते हैं। अगर आप क्रिमिनल लिस्ट में फोटो देखेंगी तो पहचान पाएंगी? हाँ पहचान लूंगी। कंप्लेंट क्या हुआ? मुझे फॉलो करने वाले यही थे। एक मिनट। सर सिटी सिक्योरिटी के लिए ना रैंडम लोगों को फॉलो करके उनसे राय लेते हैं। आपने उन्हें यूनिफॉर्म में नहीं देखा तो इसीलिए आप डर गए। ओह आई एम सो सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। इट्स ओके यार, इट्स ओके। थैंक यू। आई एम सो सॉरी सर, आप शहर के नए कमिश्नर हैं, मुझे पता नहीं था। आदित्य अरुणाचलम टीवी न्यूज़पेपर में नाम पढ़ा था, सर आपसे कभी मिली नहीं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई। Hey, don't worry, don't worry. मेरा नाम मेरी है सर, इंटीरियर डिजाइनर। Right, future. मेरी कार डिटेल्स इसमें। इन्हें दे दीजिए। थैंक यू सर। आपको उस दिन पब्लिक ओपिनियन चाहिए था ना सिटी के बारे में? इफ इट्स ओके विद यू, हम किसी कॉफी शॉप में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी मैं कॉफी नहीं पीता, बचपन में गांव में पीता था, फिल्टर कॉफी और रंगा कॉफी। यहाँ जो इंस्टेंट कॉफी मिलती है मैं नहीं पीता, सॉरी। कॉफी शॉप का मतलब नया दिल्ली में मिलना है और आप तो रंगा कॉफी बिल्ला कॉफी के अंदर घुसे जा रहे हैं। ओके आज मिल सकते हैं 6 o'clock। ओके कमरे में मेरा फोन नंबर है।
लगाओ बल्ली को फोन, वो जो अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। आप क्या पेशेंट से मिलने जा रहे हैं? रोमांटिक प्रिंस नाजरी दिल को क्यूट है। फेवरेट डिश पाव भाजी, फेवरेट गेम क्रिकेट, और डांस में शीला और कृष्णन, सुपर, और फिश मुझे बहुत पसंद है। ओ मछली, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है, जैसे कि पापलेट है, रावस है, ओमबिल, सुरमई, बांगड़ा है, सब वैरायटी मुझे पसंद है। मेरा बस चले तो एक बार में ही पूरी मछली ऐसे खा लूं, सिर्फ कांटा ही छोड़ो। सही दिल तो क्यूट है। फिश से मेरा मतलब था कोल्ड फिश, कलर फिश जो फिश टैंक में रखते। भी करूंगा तू मुझे संभालना, जो तुझसे मैं लड़ूंगा, मैं थोड़ा शरारती, तू दिल की साथ रहना, कोई खता अगर तू मुझको माफ करना, तू मेरी खट्टी पीली दीदी चांदनी, मैं अधूरा था वो तू मेरी रागिनी, ओ रागिनी, तुझे तेरे मैं भी अधूरा था मुंबई से कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम आए, अंदर बताइए।
मुंबई से कमिश्नर अरुणाचल आना है, क्या कर रहे हैं? परमिशन लेटर लाए हैं क्या? पूछो। विनोद मल्होत्रा का बेटा अजय मल्होत्रा ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में यहाँ बंद है। उससे ड्रग्स लेके बेचने वालों को तो हमने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अजय मल्होत्रा ड्रग्स कहाँ से लाता था ये नहीं पता। उनका पता लगा के उन्हें पकड़ने तो टोटल ड्रग्स मार्केट को क्लोज कर सकते हैं। इसीलिए अजय मल्होत्रा से 10 मिनट इंक्वायरी करनी है। आपके ऑफिसर्स के साथ रह सकते हैं? भी चलते हैं, पैसे होते ही शॉपिंग के लिए भी जाएंगे। सर आई वॉन्ट अजय मल्होत्रा। इज नॉट अजय मल्होत्रा। सर आप जिससे मिलने आए हैं ये वही अजय मल्होत्रा है। सर आई वॉन्ट विनोद मल्होत्रा सर अजय मल्होत्रा हू माई गॉड विद माई ओन ब्लडी हैंड्स। सर यही तो है अजय मल्होत्रा। हाँ। अजय मल्होत्रा सर छोटी बच्ची के चप्पल से यहाँ पर डराया था। यदि ये हमारी चिंता है, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। प्लीज सर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आई थिंक सब कंफ्यूजन थे। नो कंफ्यूजन रॉक्सी। उसको तो दूसरे देश में भेज दिया होगा सर। सर 27 साल पहले बुरी भली की घटना के बाद पुलिस की इज्जत ही नहीं बची। सामने से सब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। इन ऑपरेशंस के बाद लोग हमें फिर से इज्जत देने लगे हैं। अगर पब्लिक को यह पता चल गया कि उसकी जगह जेल में कोई और है तो सर फिर से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये खेल रहे हमारे साथ। हमें भी गेम शुरू करनी पड़ेगी। सर कॉल फ्रॉम दिल्ली ऑफिस। सर आदित्य आप तुरंत दिल्ली आए, यहाँ अर्जेंटली आपकी जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर। यस सर। जिस काम से आपको भेजा था वो हो गया है, कब लौट रहे हैं? नहीं सर मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म होते ही खुद वापस आ जाऊंगा। This assignment is over. सर मैंने पहले ही कहा था काम आधे में छोड़कर नहीं आऊंगा, ना ही किसी को छोड़ूंगा। ये सब जानकर ही आपने मुझे भेजा था। मेरे लिए क्लीन मतलब कंप्लीट क्लीन। वो लड़का जहां भी होगा उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या बेटी के लिए मैं दूसरे कमिश्नर को लाने की सोच रहा हूं, तुम जा सकते हो। ऐसा क्या? किसको लेकर आएंगे? फोन वहां रखा है, ट्राई कर लीजिए। गुड इवनिंग। कल से मुंबई सिटी कमिश्नर का चार्ज आप ले लीजिए। तुम्हें क्यों बता दो? दिस इज अ गवर्नमेंट डिसीजन। अभी इससे बात करो। यू माइंड योर वर्ड्स। हेलो हेलो हेलो। अब मुंबई पुलिस मेरी हर बात है, इसके बावजूद मुझे हटाने की कोशिश की तो पूरी पुलिस फोर्स स्ट्राइक कर देगी। पुलिस के बिना ये मुंबई सोचते ही डर लगता है। उस लड़की के मामले में मत पड़ो प्लीज। अब उसका क्या करना है, कैसे करना है मुझे पता है। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। सर उनको बोल दीजिए पुलिस के लेफ्ट से निकले राइट से निकले पर सामने ना टकराए। Thank you.
में बाहर घूम रहा है ये बड़ी शर्म की बात है। यह प्रॉक्सी इज हाईली कंडेमनेबल। साउथ में मैंने एक प्रिजनर को जेल से बाहर जाते और अंदर आते देखा है। आई हैव सीन इट इन अ वीडियो। सर तुरंत 8 हायर ऑफिशियल्स की एक टीम बनाकर नासिक जेल इंस्पेक्शन के लिए भेजनी चाहिए। आई सी। ये जल्द से जल्द करना होगा। वी डू दैट। मुंबई कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम ने यह आरोप लगाया है कि अजय धलोत्रा ने नासिक जेल में अपनी जगह किसी प्रॉक्सी को रखा है। इसकी जांच करने के लिए सरकार ने 8 उच्च अधिकारियों की एक टीम बनाई है और उन लोगों को इंस्पेक्शन के लिए आज नासिक जेल भेजा जा रहा है। सर वो लोग नासिक जेल पहुंच गए। अजय मल्होत्रा की असली फोटो आई होगी। हाँ सर, ये तो बहुत ही गलत है। तारा सिंह कुश्ती की शुरुआत में 3 बार मार खाते थे, जानते हो क्यों? सर तभी तो ऑडियंस को मजा आएगा। कुश्ती में अगर पहले मार खाओ तो दुश्मन की ताकत जानने के लिए, उसके सपोर्टर्स कौन है ये जानने के लिए, उसकी मेथड क्या है ये जानने के लिए, अब तक वो समझे नहीं ये दार ही नहीं मेरा नकाब है। जाली पासपोर्ट, जाली डॉक्यूमेंट, जाली सर्टिफिकेट तैयार करने में तुम लोग इस शहर में सबसे एक्सपर्ट हो। इस फोटो में जो लड़का है इसका नकली पासपोर्ट तैयार करके तुम लोगों ने ही से विदेश भेजा है। कहां भेजा है? थाईलैंड सर। Look, I'm sorry, brother. Our car's damaged also. We need to call the police. No, don't call the police. Just don't go. Take this money and go. I need the insurance. My car's damaged. Don't call the police. Just take this money. I'll buy you a brand new car. Are you done? Just a beer. You? Yes, sir. Which country are you from? Sir, it's on my phone. Therefore, they come and bang my car. It's an accident. Show me your passport. But, sir, it's not my phone. They come and bang my car. Check it. But why check me, sir? Check them. Why? It's not my fault, sir. It's not my fault. Why are you checking me? Take him to the vehicle. Just take this money. Just take this money. Sir, just please, sir, it's not my fault. Whoa! Amrin, can you send me this passport copy, please? Yeah, I will send it now. Thank you. In Thailand for using fake passport. I want him to be deported back to India immediately. Okay, sir. Please come. Please.
Please have a seat, sir. And master is in the meeting, sir. Okay. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हुआ कैसे? हमारे जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं थाईलैंड में, उन सब को कांटेक्ट करो. I want my son back. Do you understand? Hello. अपने बेटे को थाईलैंड पुलिस से रिलीज करवाने की कोशिश कर रहे हो? Who is this? आदित्य अरुणाचलम, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई. तुम्हारे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, थाईलैंड पुलिस तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगी. मैं एक रास्ता बताऊं? तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो. इंडस्ट्रियलिस्ट की बात थाईलैंड गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा तो जरूर सुनेगी. नासिक जेल में जो बंद है वो तुम्हारा ही बेटा है. 8 गवर्नमेंट ऑफिशियल से साइन करके दिया है. ये झूठ है. अगर साबित हो गया तो गवर्नमेंट ही हिल जाएगी. ये उन ऑफिशियल्स को बताओ, कांपने लगेंगे. इंडियन गवर्नमेंट को थाईलैंड गवर्नमेंट से बात करें, वो फौरन तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे. उसी वक्त में हम तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं. ये बात याद करके कभी कभी हमारा भी ख्याल रख लेना बॉस. थैंक यू. उस कमिश्नर ने खुद फोन करके ये आइडिया दिया. कंफ्यूज, वही पकड़वाता है और वही छुपाना चाहता है. कोई साजिश तो नहीं? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है. एक बार अगर हम उसको थाईलैंड के जेल से बाहर निकाल दें, फिर तो हम उसे किसी भी कंट्री में जा सकते हैं. अब तक वो 8 करप्ट ऑफिशियल्स इंडियन गवर्नमेंट के पास जाकर खड़े हो गए होंगे. इंडियन गवर्नमेंट थाईलैंड गवर्नमेंट से उस लड़के को छोड़ देने के बारे में बात करेगी. वो गवर्नमेंट यहाँ एम्बेसी पे फोन करेगी और अजय मल्होत्रा का पासपोर्ट ओरिजिनल ही है ये बताने के लिए ये लोग अब हमें अंदर बुलाएंगे. प्लीज सी मिस्टर कमिश्नर, आई जस्ट स्पोक विद द थाईलैंड गवर्नमेंट. दे हैव कंफर्म दैट द पासपोर्ट कॉपी यू गेव एंड द पर्सन दे हैव अरेस्टेड आर द सेम. There is no confusion, sir. Our Thailand police has released you. I appreciate it. Nikalo chopper Nasik ji. आपको मेरा नाम क्या? तुम ही अजय मल्होत्रा हो. प्रूव हो गया, अब क्या छुपाना. मैं तो कुछ कर भी नहीं पाया. अच्छा, तुम ये बूढ़े लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हो, ऐसा क्यों? अच्छा, वो बूढ़े लोगों को मारना बहुत इजी है सर. वो भाग भी नहीं सकते और हमको मार भी नहीं सकते. अच्छा. हाँ सर, इसीलिए उन लोगों को टारगेट करके मारने की आदत हो गई. उन्हें मारना बहुत ईजी है. इजी भटक गोलियां मारो और बढ़ते चलो. बढ़ते अजय मल्होत्रा वॉज शॉट डेड बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई फॉर सेल्फ डिफेंस. ऑफिसर्स और प्रेस को मना दो. पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को जनरल पब्लिक के सामने लाया जाएगा. ये प्रेस रिलीज कर दो. क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूं बेटा. बॉडी को हाई कोर्ट के जज आकर चेक करेंगे और उसके बाद आम जनता और प्रेस को दिखाने के लिए लेके आएंगे. बॉडी के जेल से बाहर आते ही सबको पता चल जाएगा ये प्रॉक्सी है. बट यू नो, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जिन्होंने भी हमारी हेल्प की है उन सब के लिए है. हम सब फंस चुके यहां पर. सब के सब बर्बाद हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से. चलो स्पीकर पे डाल बच्चे. पहले पकड़े जाते तो प्रॉक्सी में सिर्फ तुम ही फंसते, लेकिन अब दो जज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, होम मिनिस्टर, एक कलेक्टर, इंडिया, थाईलैंड, दो कंट्रीज इन्वॉल्व है. इंटरनेशनल न्यूज बन गई ना. इससे कैसे निकले सोचकर परेशान हो रहे हो? मैं एक आइडिया दूं.
या तो सच को भूल करके सबके सब जेल के अंदर जाओ, तुम तुम्हारा बेटा और मालिका, या फिर थाईलैंड से सीक्रेटली अपने बेटे को बुलवाकर सेम जगह शूट करके उसकी बॉडी को जेल से बाहर कर। एक बड़ा है या ग्यारह, तुम ही डिसाइड करो। देख लो, मुसीबत में पुलिस तुम्हारी इतनी मदद कर रही है, ये याद करके कभी कभी हमारा भी ख्याल रख लेना। ओके, ओके, हम अभी नासिक जेल के बाहर खड़े हैं। भारी बारिश के बावजूद अजय मल्होत्रा की बॉडी आम जनता के सामने लाई जाएगी। हमें ये सूचना कमिश्नर के हवाले से दी गई है। जेल के अंदर जो शख्स है वो असल में अजय मल्होत्रा है या कोई और, इस बात को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है उसका खुलासा अब थोड़ी देर में हो जाएगा जब अजय मल्होत्रा की डेड बॉडी हमारे सामने लाई जाएगी। उसके बताए हुए दो रास्तों के सिवा तीसरा उपाय कोई दिख नहीं रहा, तो आप अपनी जान बचाने के लिए मेरे बेटे की बलि देना चाहते हैं, है ना? आपके बेटे को बचाने की कोशिश में अब तक 18 लोग फंस चुके हैं। इस उम्र में ये लोग जेल तो जा नहीं सकते, इनको बचाना आपका फर्ज बनता है। देखिए, जो करना है कीजिए, बस मुझे कुछ मत बताइए। वो प्राइवेट जेट से थाईलैंड से निकल चुका है, लेकिन उसको कुछ खबर नहीं। जल्द जो करना है जल्दी करो। देखो अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, ठीक है? मारकर ही छोड़ेगा, ये मेरा बेटा नहीं है। 27 साल पहले गोलीबारी में पुलिस वालों को जो जलाकर भाग गया था, ये उस हनी चोपड़ा का बेटा है। 2 साल पहले जब मेरे पास छोड़ कर गया था, 8 साल उसे बेचता था, लेकिन अब जब वापस आएगा तो मैं उसे कैसे मारूंगा? सब कुछ खत्म हो चुका है, वो आएगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। इतने साल तुम सबका मैं लीडर रहा, इस बात की मुझे खुशी है और गर्व है। तुम में से किसी एक को मेरे बाद ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, लेकिन उसमें पुलिस से भिड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। आप में से ये काबिलियत रखने वाला यहाँ एक ही आदमी है। हरी चोपड़ा। मेरी जगह लेने वाला शख्स हरी चोपड़ा है। ये पता चला तो मुंबई पुलिस की पैंट कीली हो जाएगी। मुंबई पुलिस ने तुम्हारे बेटे को मार दिया है।
मेरी बेटी तैयार हो रही है, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। आओ बेटा, यही है मेरी बेटी। हेलो, You look so hot. शादी के बाद we'll move to London. Sorry guys, मैं अपनी बेटी को अब्रॉड नहीं भेजूंगा। अगर आपको पसंद है तो अपने डिटेल्स ईमेल कर दीजिए, ओके? Can I have your daughter's number? Hey, बाप से ही। Sorry guys, sorry. मेरे अप्पा की शादी हो जाएगी, उसके बारे में शादी करना, ओके? क्या बंद करो अप्पा, क्या ये सब? ऑनलाइन मैट्रिमोनियल बेटा। इससे पहले आपको लिली को पटाना है, भूल गए आप? ऐसी अच्छी बेटी कभी किसी बाप को मिली है क्या? हाँ वो सब ठीक है बेटा, मैं तो धीरे धीरे ट्राई कर ही रहा हूँ। वैसे धीरे धीरे ट्राई करते तो 2-2 साल लग जाएंगे। जाके आई वांट टू मैरी यू, ये कब बोलोगे? बेटा आज अष्टमी है और कल नवमी, उसके बाद गजनी। देखो बेटा, என்ன சார் பூமி பூஜை போற மாதிரி சொல்றீங்க? இது காதல் ப்ரோபோஸ் பண்ற மாதிரி இல்லையா? கணபதி ஹோமம் பண்ற மாதிரி இது. சரிடா கொஞ்சம் எடுத்து கொடுறா. எடுத்து கொடுத்தா ஏன் சார் கிரவரேஷன் చేస్తాం చెప్తున్నారు? ఇది లవ్ ప్రపోజ్ చేస్తున్నట్టు లేదు, అంతేనా? గణపతి హోమం చేస్తున్నట్టు ఉంది. సరేరా, ఎలాగో నువ్వే చెప్పు. ఎలాగో చెప్పగలిగితే నాకు दोनों ही लेली यही पर है बेटी। हाँ हाँ मैं स्पीकर पे सुन ही रहा हूँ। आपसे मिलना है, क्या ऐश्वर्या मैरिज हॉल एंजेरी वेल जा सकते हैं? लेकिन आज तो अष्टमी है। बोलो आ रहा हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। ओके थैंक यू। सुपर सुपर, तुम भी साथ जाएंगे। अब आपको अगला कुछ पहनो, पहनो अपने स्टाइल में पहनो। बल्ली इनकी तो चाल ही अपने आप में स्टाइल है। मेरा स्टाइल कैसा है? कट लो। हेलो, मैं विनोद मल्होत्रा बोल रहा हूँ। जी बोलिए। पापा घर पे हैं? नहीं अपा बाहर गए हैं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं ही नहीं आप सब लोग भी मुसीबत में हैं। पापा जैसे लौटे फोन करने को बोलो। ठीक है। में क्यों बुलाया है? आपके भरोसे बैठी रही तो आप 40 साल लगा दोगे, इसीलिए लगता है डायरेक्टली मैरिज प्लान कर लिया। ऐसा क्या? हाँ सर, सरप्राइज बर्थडे के जैसे सरप्राइज मैरिज। सरप्राइज मैरिज चांस ही नहीं है, बल्ली को आना पड़ेगा, बड़ों से पूछना पड़ेगा। बड़ों से कौन? विष पिता पर। अब आपसे बड़े तो वही है ना, इसीलिए आप चल चल। हेलो, क्या हुआ अचानक? ये मेरे पिताजी, अम्मा, मेरे चचेरे भाई और बाकी की सारी फैमिली। लिली से आपके बारे में बहुत सुना है सर। पता नहीं अच्छा से लगा। मुझे अभी यहाँ अचानक से क्यों बुलाया? बच्चे की चेन खो गई है, हम पुलिस स्टेशन जाने ही वाले थे, फिर आपका ख्याल आया, सोचा आपको ही फोन कर देती हूँ। अच्छा, बच्ची की चेन खो गई है, वो मैं ढूंढ के कमिश्नर। हे भगवान कमाल है, तेरी लीला अपरंपार है। अच्छा बेटा, तुम्हारी चेन एग्जैक्टली कहाँ खोई है? वो पता होता तो मैं ही ढूंढ लेती ना अंकल, आपको क्यों बुलाते हैं? बात तो सही कह रही है। बदमाश। बहुत इंपॉर्टेंट केस, इसीलिए तो आपको बुलाया है। वेरी इंपॉर्टेंट केस है। अंदर देखा कब? One, two, three, four.
புண்டாட்டியா எல்லாமே நண்பர்களா இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கை நல்லா कमिश्नर उसके फ्रेंड है, हम ही विश्वास नहीं करते थे। सर, एक्स प्रेसिडेंट किया नारायण सर, 1998 की बात है। हाँ, अवार्ड मिला था। यस, तब लेनी की उम्र शायद 11 साल होगी। वो आपकी डॉटर है क्या? हाँ हाँ। नाइस। लिली हमारे खानदान की इकलौती लड़की है, सबकी बहुत चाहती है। जिद्दियां ली है कि शादी नहीं करेगी। चाचा बहुत ही परेशान है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और ऐसे में कोई अनकंपेटेबल मिल गया तो कहीं उसका दिल ना टूट जाए। आपकी भी एक बेटी है, एज अ फादर आप समझ सकते हैं। कल शादी में मैंने देखा, अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे चार दोस्त ही आना चाहते थे, मैंने ही मना कर दिया। सर सिटी कमिश्नर है, एक बार प्यार से समझा कर देखते हैं। कल को अचानक आपकी बेटी आपके जैसे किसी को लेकर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? 6 साल का था जब मैंने अपनी माँ को खो दिया। मेरी तो छोड़िए, वल्ली की माँ उसे 2 साल की ही छोड़कर गुजर गई। उसे माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए बचपन से लेकर आज तक मैंने ही उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वल्ली को आज तक जिद या गुस्सा क्या होता है नहीं पता। उसने सिर्फ एक ही ख्वाहिश की है, लिली के लिए। आपको तो पता है पुलिस का जॉब कितना रिस्की और खतरनाक होता है, क्या पता कब क्या हो जाए। कल को मुझे कुछ हो जाए तो उसका कोई सहारा होगा, ये सोचकर मैं राजी हो गया था। डोंट वरी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। ओके, अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। इट्स ओके, थैंक यू।
तुम कब आई? क्या हुआ? What happened? वल्ली बेटा रोते ना बेटा, कुछ नहीं उन्होंने जो भी कहा एक तरह से सही है। ऐसे कैसे बोल सकते? नहीं बोल सकते। कोई चली जाऊंगी तो आप अकेले फट जाएंगे। नहीं बेटा, रो मत बेटा, प्लीज रो मत प्लीज। टीवी चैनल का पुराना अभी फंक्शनल नहीं है, फुल सेफ एंड सिक्योर। ओके दर है, अंदर डर से काट रहा है। कमिश्नर ही बेटे को चलाया, कैद अपना दिया। नहीं भाई, एकदम ठीक से क्रियाकर्म किया भाई, ठीक से एकदम। तेरे लिए एक गिफ्ट लाया। गिफ्ट ब्यूटिफुल, कितना खूबसूरत है यार। इसको जैसे ही दबाकर खोलेगा ना, छाता जैसा अंदर खोल के सब कुछ बाहर निकालने के बाद ही बंद होगा। देखो सुनो, मेरी बात सुनो भाई, जब मैं ब्यूटिफुल नहीं 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 भाई के रूम में लेकर चाह अच्छा को वापस लेकर आ, मेरा फेवरेट है। पुलिस कमिश्नर कहां मिलेगा? इसकी मौत के बाद पुलिस यूनिफॉर्म पहनने से हर कोई डरेगा। शाहरुख ने अपनी गाड़ी को टक्कर मारा, गाड़ी शाहरुख की आवाज में स्टार्ट हुई। एक ही दिन की बात है। ओके, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, विनोद मल्होत्रा इज मिसिंग। कहाँ गायब है कुछ पता नहीं। अच्छा सर, को अभी कुछ बात बताइए, एवरी 15 मिनट्स अपना लोकेशन भेजते रहिए। ओके सर, श्योर।
से 25 साल का लड़का फ्लोरल शर्ट पहने हाथ में सेलफोन लिए बैठा है, क्या देखो?
पापा आज सुबह मुझे एक फोन आया था, विनोद बोल रहा था किसी मुझे क्या हुआ? चलो 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 यार। कॉन्कशन हुआ है, इसे टाइप ऑफ अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, 5 घंटे के बाद विल बी कॉन्शियस, और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नॉट अ वरी। थैंक यू सो मच। सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। लेकिन आपकी रिपोर्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम है। आपके ब्रेन में 3 जगह से ब्लड लीक कर रहा है और ब्लीडिंग भी बहुत हो रही है। 2 घंटे में यह सारा खून आपके टिश्यूज पर फैल के आपके जिसे हम सब्ड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं तुम्हारे साथ कोई और है? कोई घर का बड़ा या रिश्तेदार कोई है? में 5 घंटे लगेंगे और तुम 2 घंटे में
How do I explain it to you? Please take some rest. Please. I don't know what to say. उठा लूंगा मैं ये सारे गुंडों को उठा लूंगा।
कमिश्नर सर ऐसे वायलेंट हो गए। सॉरी मैम, आपको घर बर्ड पे रख के रिपोर्ट लिखवाई गई थी। आपको फोर्स करवा के जिन पेपर पे साइन करवाया था वो लेकर हम आ गए हैं, उनके ऊपर आप एक्शन लग लीजिएगा प्लीज। ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती, मैं ह्यूमन राइट्स में वन ऑफ दी ऑफिसर्स ही हूँ। कोर्ट जैसे ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं रिपोर्ट भेज दूंगी, मेरे ऊपर के हायर ऑफिशियल्स ही डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने एक्शन लिया तो आदित्य अरुणाचलम का काम जा भी सकता है। तब तक आप उन्हें और कोई एनकाउंटर करने से संभालिए। तुम में से एटलीस्ट कोई दो लोग तो सच बोलो, मेरी गन में सिर्फ 6 बुलेट हैं, तुम लोग 8 हो। बात चल रही है ना, रोना है तो चुपचाप रहो। तो बोलो हमने नहीं किया सर। तो फिर किसने किया? पता नहीं सर, पता नहीं सर। विनोद मल्होत्रा ने उसको किसी और, तेरा तो फायदा हुआ ना। अब वो कौन है ये जानकर क्या करेगा? पागल जैसा सबका इनकाउंटर करेगा? वो कमिश्नर पागलों की तरह घूम रहा है। किसने मारा ये पता करने के प्रोसेस में 13 लोगों का एनकाउंटर कर चुका। एक्चुअली उसकी बेटी की शादी उसे मारने का सोचा था, लेकिन जब उसकी वो बेटी आखिरी 2 घंटे के लिए सिद्धा थी तब तक ये तो होश था, और जब इसे होश आया तो बच चुकी थी। उस समय वो विनोद मल्होत्रा को मारने गया तो वहां वो मरा पड़ा था, उस वक्त उसकी हालत थी। वो खुशी मुझे इसकी बात से भी नहीं मिलती, लेकिन अब तो मर सकता है ना। पुराने जमाने में राजा अपने दुश्मन को पकड़कर कभी मारते नहीं, उसकी आंखें निकाल देते थे। मारते तो जब तक राजा रहता दुश्मन का भी नाम रहता, उसका पुतला बनता उसी के जैसा कोई और आता। अगर आंखें निकाल लेते हैं तो पैसा रख के लगा भीख मांगता, किसी सड़क के कोने में पड़ा रहता। उसे देखकर लोग राजा से डरते कांपते। मैं उस कमिश्नर से उसकी साइरन वाली गाड़ी छीनूंगा, गवर्नमेंट का दिया घर छीनूंगा, और फिर अगर वो मरता तो बड़ी हवा नहीं लगती। 8 पेज पे अंगूठे की साइज की न्यूज। उसके सभी एनकाउंटर्स उसके साथ रहने वाली पुलिस टीम कवर अप कर देती है, फिर भी कैसे होगा? दूसरों की मौत को कवर अप करते हैं, अगर खुद मर गए तो। डॉक्टर से मिली थी, आपका ट्रीटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ, 12 दिनों से डे एंड नाइट ड्यूटी किए जा रहे हैं, ये सब भी आपके साथ बिना रेस्ट किए। भूल गए, ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई, पता नहीं कब खत्म होगी। पुलिस की नौकरी ऐसी ही होती है। फोन स्पीकर पे डालो। हाय सोना बेटा, रोते नहीं है, अच्छे बच्चे की तरह खाना खाकर सोता। अगर आप थोड़ा रेस्ट लेंगे तो ये लोग भी।
मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया। वल्ली की डेथ को लेकर कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। उसी फ्रस्ट्रेशन में आप सबको परेशान कर रखा है। आप सब घर जाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके कल वापस आइए। सर आप भी घर जाके घर पर अब रहा ही कौन है। सर आपने कुछ खाया भी नहीं है। तुम लोगों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं अभी खाना ऑर्डर करता हूँ। मेरा फोन कहाँ गया? तुम्हारे पास फोन है ना? खाना सॉरी क्यों बोल रहे हैं? कल बीच सड़क पे शूट आउट किसने किया होगा? उस कमिश्नर ने पहले जिनका एनकाउंटर किया था उन्हीं लोगों ने अब काउंटर अटैक किया है। अपने पर्सनल गुस्से के कारण अंधाधुंध एनकाउंटर करोगे तो वो शांत बैठेंगे। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट भी इससे परेशान है। उनके पास कोई रास्ता नहीं है इसलिए झेल रहे हैं। स्ट्रेस में कोई सुसाइड कर लेगा देखना, वो मेंटल हो गया है। ये लोग ऐसे ही है सर, पैसों के लिए कुछ भी बोलते हैं। पैसे खिलाएंगे तो हमारी साइड से भी बोलेंगे। सर सर ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। शूटआउट के लिए आपको सस्पेंड किया गया है सर। अरुणाचल आदित्य अरुणाचल मैसेज के थ्रू सैलरी ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं सर, वल्ली ने मरने से दो घंटे पहले मुझे मैसेज किया था सॉरी तुम्हें तंग करने के लिए। तुम्हारी सैलरी भेज रही हूँ और 3,00,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए। तुमसे बात की उसने, मुझसे तो बिना बात किए ही चले गए।
वीडियो देखेंगे तुम दैनिक जाऊंगी। आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ सॉरी पा, इस उम्र में आपको अकेला छोड़कर जा रही हूँ, आपको बहुत तकलीफ होगी ना। आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता रही हूँ। उस दिन विनोद मल्होत्रा ने कॉल किया था और कहा वो मुसीबत में और हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, तब मैंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन ये एक्सीडेंट होने के बाद मुझे यकीन हो गया है। मेरे मरने के बाद आपको लगेगा विनोद मल्होत्रा इसका कारण है, लेकिन नहीं पा, ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई विनोद मल्होत्रा को मार देता है तो जिसने उसे मारा है उसी ने मुझे भी मारा है। मैं नहीं हूं तो हार मत मान लेना। मेरे कारण अगर आपने हार मान ली तो उस दिन मैं सच में मर जाऊंगी। उन्हें लगता है मुझे मार दिया तो आप कमजोर हो जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप वैसे ही डट के खड़े रहना, पहले से 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ। हो सकता है वो इस समय भी आप पर नजर रखे हो, उसे खत्म के बिना यहां से मर जाना। सर प्रोटोकॉल के मुताबिक आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। अरे पता है मुझे, चल निकाल। मिस्टर आदित्य, फिजिकल फिटनेस के कारण आपको सस्पेंड किया जा रहा है, आप खुद ही रिटायरमेंट ले लीजिए, बेटर रहेगा। डिसाइड योरसेल्फ, रिजाइन और रिटायर। ऑन ड्यूटी सर। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर है। सर आप पुरानी न्यूज दे रहे हैं, मैं देता हूं फ्लैश न्यूज। कोर्ट ने मुझे मेंटल स्टेबिलिटी और फिजिकल स्टेबिलिटी प्रूव करने के लिए 4 दिनों की परमिशन दी है। ये रहा कोर्ट ऑर्डर। यस, बट कोर्ट ने सिर्फ 4 डेज दिए हैं। इसके अंदर फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एक बार फिर से नौकरी पर लगना, इस उम्र में मुश्किल है। सर खुद पे यकीन करने वालों के लिए उम्र एक नंबर है। ये नहीं हो सकता ये आपका कहना है, ये हो सकता है ये मेरा मानना है। इट्स नॉट पॉसिबल आदित्य। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही मेरा स्टाइल है। ओके, 4 दिन में फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। We'll be right back.
मरने के बाद आपको लगेगा विनोद मल्होत्रा इसका कारण है, लेकिन नहीं पा, ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई विनोद मल्होत्रा को मार देता है तो जिसने उसे मारा है उसी ने मुझे भी मारा। वल्ली की बातों के मुताबिक इस सब में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है। मेरे और विनोद मल्होत्रा के बीच में कॉमन था उसका बेटा, मैंने उसको मार दिया, तो कोई तीसरा हम दोनों को क्यों मारना चाहेगा? सर आप क्यों मार रहे हो, मैंने तो इसकी बाइक ठोकी, वो बाइक आपकी थोड़ी ना थी। ओए वो बाइक मेरी थी, इसे सिर्फ दे रखी थी, तुम्हारे झगड़े में मेरी बाइक क्यों तोड़ दी? सर मुझे कैसे पता होगा, यूज कर ले कह के उसी ने दी। इंस्पेक्टर आलोक यादव कॉलिंग फ्रॉम एडवोकेट बैनर्जीज ऑफिस। मिस्टर मल्होत्रा ने 5 साल पहले सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी, उनके बेटे के नाम पर कोई एसेट्स नहीं है सर। सर इंस्पेक्टर सूरज मसीना हॉस्पिटल से, मिसेस मल्होत्रा को 2004 में गर्ल बेबी और 2007 में एक और गर्ल बेबी, मेडिकल रिकॉर्ड में सिर्फ यही है। एंड सर इस कंफर्म दैट उनकी सिर्फ दो बेटियां हैं। कनेक्शन करेक्ट जो है, वो लड़का असल में विनोद मल्होत्रा का अपना बेटा नहीं था। मिस्टर आदित्य अरुणाचलम का फ्री ज्वाइनिंग लेटर। हेलो सर, उस लड़के के स्कूल और कॉलेज रिकॉर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ July 11, 1990 है सर। ओके July 11, 1990 मानुष। यस सर। July 11, 1990 को मुंबई के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए बच्चों के पेरेंट्स की लिस्ट निकाल रहा, अपने बेटे को पालने के लिए किसी और को देने वाला। डेफिनेटली कोई भागा हुआ क्रिमिनल ही होगा, तो उसको हमारी क्रिमिनल लिस्ट में ढूंढो। बच्चों के माँ बाप के लिस्ट से 27 साल पहले भागे हुए क्रिमिनल्स की लिस्ट में से कोई नाम मैच हो रहा है क्या, चेक करके बताओ। ओके सर। एडीजीपी है, 30 साल से फरार वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट और कॉर्पोरेशन बर्थ नेम लिस्ट आपके डेस्क पर भेज दी गई है सर। यस सर, वो दी डेटा लिस्ट अभी वेरीफाइड सर। Chopra, the man who's responsible for the police massacre in Borivali, Mumbai, and a wanted criminal since 1993 by Indian and other countries as well. He has been tracked down by Mumbai Commissioner Aditya Anandam, and a manhunt has been initiated to arrest him. Stephen Williams, Commissioner of the London Metropolitan Police. I am Sharaban Abdullah, Secretary General of the Dubai Police Force. From Libabe, from China. I'm Aditya Arunachalam, Commissioner of Police, Mumbai, India. We've been hunting Harry Chopra for 16 years now, but we've never been able to arrest him. And we'd like to send a counter-terrorist team to hunt him down. He is the one who brought the drugs into our country. We have been chasing him for the past 7 years. We are ready to come there to put him down. We are ready to send our force. All right, officers. हम डिस्कस करके आपका जवाब देंगे। थैंक यू। इसके बारे में क्या सोचा है मिस्टर कमिश्नर? सर हरी चोपड़ा इस देश की पैदाइश है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। 27 साल पहले जो 17 पुलिस वाले उसे पकड़ने गए थे उन्हें जिंदा जलाकर भाग गया, इसी वजह से पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिल गई, ड्रग्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ गया,
अब ये उसके और पुलिस के बीच की बात है, पुराना हिसाब है, इसे हम ही चुकाएंगे। इन्हें बोल दीजिए अब यहाँ जो भी होने वाला है उसे दूर से बैठकर देखें। Are you sure? 100% सर। और एक बात, उसने हमारे पुलिस वालों को 12 मार्च को जलाया था, आज 10 मार्च है, परसों उसी तारीख को मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरे लिए हमारी पुलिस फोर्स ही काफी है। मुझे ओवर कॉन्फिडेंस, दुश्मन को कमजोर समझने वाला खेल शुरू होने से पहले ही आधा खत्म। मैंने मल्होत्रा को हरा कर और मेरे बेटे को मार के उसे लगा था कि उसने मुंबई साफ कर दिया। रिलैक्स हो गया। उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने खुद की बेटी को भी बचा नहीं सका। मुंबई पुलिस डरपोक है, फिर से बताएंगे। मुंबई पुलिस पर बाउंड्री रख रहा हूं, जिसे मारना है मारो। मारने के बाद जो छाती का बैच ग्रेड के हिसाब से पेमेंट, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर और उसके ऊपर टीम के लिए जो तैयार है उन्हें आधा पेमेंट एडवांस में देता हूं। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने से काम में चाहिए। टाइम दीजिए, मुझे और पोस्ट नहीं चाहिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। यस यस, मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उसे पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। उसे पकड़कर चाकू लेकर उसको चिक 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 उसका खून अभी हमें यह खबर मिली है कि मुंबई पुलिस की लगातार हो रही मौत के कारण बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ने ड्यूटी पर आना बंद कर दिया है। इस वजह से कई पुलिस स्टेशन खाली पड़े हैं और वहां सन्नाटा छाया है। 27 साल पहले आज ही के दिन 12 मार्च को वांटेड क्रिमिनल हरि चोपड़ा पुलिस ऑफिसर्स को बोरीवली में जिंदा जलाकर भाग गया था। क्या उसी तरह आज का दिन भी एक ब्लैक डे साबित होगा? पुलिस वालों को ये डर है। पुलिस फैमिलीज बहुत डरी हुई है सर। सर प्रेसिडेंट जैसा कह रहे हैं दूसरी कंट्री से पुलिस बुलाकर उसे एक ही दिन में पकड़ूंगा, तो उसके बाद अगर किसी कंट्री को वो चाहिए तो उन्हें हमारे पास आना पड़ेगा। ये कैसे होगा सर? क्रिमिनल को अगर पकड़ना है तो उससे भी बड़ा क्रिमिनल बनना होगा। बैठो बैठो। गुड आफ्टरनून। एक इंटरेस्टिंग घटना है। 2005 में अमेरिका के फ्लोरिडा जेल में
थॉमस ग्रैबर केस था जो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। उसे टॉमी रायन नाम के पुलिस ऑफिसर ने कैदियों की मदद से सॉल्व किया। कोई भी क्रिमिनल अकेले बड़ा नहीं बन सकता, ना ही अकेले काम कर सकता है। उसके बारे में पुलिस को शायद पता ना हो, लेकिन और किसी क्रिमिनल को ना पता हो, ये चांस ही नहीं। पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों को पता होगा। उससे ठीक दो दिन पहले ये फोटो देखिए। इंडियन बॉर्डर पे फेंसिंग को काट कर एक आदमी अंदर आया है। उसे लेने के लिए एक गाड़ी आई थी। ये उसके टायर मार्क्स हैं। इस टायर की चौड़ाई 10.4 इंचेस, अगले और पिछले टायर के बीच की दूरी 3119 मिलीमीटर। मतलब ये व्हीकल 8 लोगों की कैपेसिटी की एक हैवी व्हीकल है। उसमें बैठे बाकी 7 लोगों में से कोई एक आपकी जान पहचान का हो सकता है। अब आप सबको एक फोन दिया जाएगा। इस तरह के काम करने वाले किसी को भी जानते हो या किसी के साथ काम किया है तो उसे फोन लगाओ। आप जिस भी नंबर पे कॉल करेंगे वो इन कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड होंगे। मोबाइल लोकेशन कंप्यूटर में आ जाएगा। फोन ऑफ हुआ तो भी लोकेशन पता चल जाएगा। आपको सिर्फ कॉल करके पता करना है। आपके कारण छोटा सा क्लू भी मिला तो आपकी सजा आज ही करवा दूंगा और फैमिली से मिलने का टाइम भी बढ़वा दूंगा। ओके पुलिस ने कैदियों को फोन दे रखा है। थॉमस ग्रामर मेथड यूज कर रहे हैं। मैं देखूं 19 फ्लोर तक हमारी है, इतनी पुलिस अभी मुंबई में नहीं है। उसे बोला तुमने? हाँ बोल दो। बड़ा लोग जब को फोन लगाओ। माइक का सर, इनके ट्राई किए हुए नंबर्स में सिर्फ ये 6 नंबर पिछले 36 दिनों से स्विच ऑफ है। हरिचौरा के बॉर्डर क्रॉस करने से डेट मैच हो रहा है। सिम कार्ड फोन से निकाल दिया, सो करंट लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन 13 दिन पहले इनमें से एक ने सिम कार्ड बदल के अपने घर वालों से 36 सेकंड बात की है। उस समय सर वो मुंबई मीडिया टीवी की पुरानी बिल्डिंग में था। सर गौर करने वाली बात, आपके खिलाफ सारी गलत अफवाह फैलाने वाला यही टीवी चैनल है। ओ, ये किसका चैनल? वन सेकंड सर, प्रमोद गुप्ता सर। प्रमोद गुप्ता, इसके नाम कोई पुलिस केस रजिस्टर्ड है क्या? देखो यस सर, रिसेंटली कुछ नहीं है सर, लेकिन 48 साल पहले 12 साल की उम्र में जुवेनाइल प्रिजन बच्चों की जेल में 10 महीने था सर। उस टाइम जेल में उसके सेलमेट्स कौन थे? वन सेकंड सर, उसका एक सेलमेट था हरिहर और दूसरा सेलमेट विनोद प्रताप। ये हरिहर नहीं, अब हरी चोपड़ा था और विनोद प्रताप अब विनोद मल्होत्रा है। जेल के पंछी, इस वक्त हमारी बुली मुंबई मीडिया टीवी चैनल के घोंसले में है। सर 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 सर, क्या हुआ? मुंबई मीडिया टीवी चैनल की बिल्डिंग 19 फ्लोर्स की है। वहां कम से कम 1000 से ज्यादा लोग होंगे। इस वक्त हमारे पास उतनी फोर्स नहीं है सर। अगर इतनी ही फोर्स लेके गए तो हमारे कई लोग घायल हो सकते हैं सर। अब क्या करें? बड़ी टीम चाहिए सर, वरना ये चांस हम मिस कर देंगे। हमारे सेट बहुत लोग मरे हैं सर, 27 साल की बेइज्जती सर। Thank you.
कमिश्नर आदित्य अरुणाचल मुंबई पुलिस बरामद आज बरामद ना इसी दिन तो मुझे मारने वाला था ना इसी जगह मैं तुझे मारूंगा सोचा था मैं फिर से मारा होता लेकिन तुझे जिंदा छोड़कर जाने का मन नहीं किया ये अरुणाचल पुलिस वालों को मारने के बजाय उनके परिवार वालों को मारो तो पागल हो जाते तो खुद को नहीं करे ना तेरी बेटी के मरने के बाद तो पागल नहीं हो गया वैसे ही हम बच्चे जितने बच्चे बूढ़े औरतें उन सबको मार दिया तो आना मुंबई पुलिस तेरे अलावा एक भी गाड़ी या एक्स्ट्रा दिखाई देना अगर तू उनको बचाना चाहता है तो अकेले यहां पर है मुझे सिर्फ तेरी मौत से मतलब है आ जाओ अभी आ जाओ Thank you.
Thank you.